कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है? हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी। ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना, शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई, 48। किसी को बहुमत नहीं मिला, केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक मंद हो गए? अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।